फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट जिसका नाम है द एक्सप्रेस सो सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट में बेसिकली क्या बताया गया है कि एक ट्रेन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो पहले उसकी स्पीड धीरे होती है फिर धीरे धीरे तेज हो जाती है उसके हॉर्न के बारे में बताया गया है इसके साथ ही इसमें जो मेन बात है वो यहाँ पर किस तरीके से इंडस्ट्रियल चेंजेस आ रहे हैं ठीक है तो जो रोमांटिक एरा है उसमें ट्रेडिशन और मॉडर्न इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में बताया है सो so स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन द पॉइम द एक्सप्रेस इज रिटर्न इन द प्रेज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बाय स्टीफन स्पेंसर स्पेंडर तो इसमें जो ये पॉइम है द एक्सप्रेस इसमें बेसिकली क्या है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी प्रेज की गई है उसकी तारीफ की गई है पॉइंट के द्वारा द symbolizes the द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल एज द मॉडर्न era, which इज़ ऑन contrary ऑफ द ट्रेडिशनल वन ये जो poem है ये एक सिंबल है एक प्रतीक है किस चीज़ का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है बहुत यानी कि इंडस्ट्री का विकास होता जा रहा है इसके साथ ही जो रोमांटिक ईरा है वो भी क्या है कि ट्रेडिशनल से चेंज होता हुआ मॉडर्न में चेंज हो रहा है और ये आपस में क्या है कॉन्ट्रेरी है मीन्स कि एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी है इसके बाद आगे यहाँ पर आपको एक पॉइंट का नाम लिखना है जिसका है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉइंट पहले आप ये लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉइंट जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है फिर आपको स्टार्ट करना है ये पॉइंट इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पॉइंट पॉइंट की स्टार्टिंग में द पॉइंट डिस्क्राइब द ट्रेन लिविंग द स्टेशन विच लुक्स लाइक अ क्वीन कि जब पॉइंट की स्टार्टिंग होती है तो उसमें पॉइंट ने एक ट्रेन को डिस्क्राइब किया है जो कि स्टेशन से जा रही है ठीक है यानी कि स्टेशन से लीव कर रही है और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि एक क्वीन हो द पॉइंट दस इमेजिस द ट्रेन टू बी रॉयल तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इमेजिन करते हैं ट्रेन को जैसे कि वो रॉयल हो द ट्रेन नाइदर बोज बिफोर एनी वन नोर हैज़ एनी रिस्ट्रिक्शन ये जो ट्रेन है ना तो ये किसी के आगे बोझ करती है और ना ही इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है यानी कि रेस्ट्रिक्शंस का मीन्स होता है कि कोई भी पाबंदियाँ नहीं है द ट्रेन द दाउस हाउसेज विच सेम टू बी हमली क्राउडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेल अब क्या है कि ये जो ट्रेन है वो आगे बढ़ती जा रही है और इसके दोनों साइड क्या है कि बहुत सारे घर बने हुए हैं जो कि किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एक हमली क्राउडेड हो ठीक है यानी कि बसा हुआ एरिया है वहाँ से बीचों बीच से जो ट्रेन है वो पास हो रही है द ट्रेन क्रॉस द गैस वर्क फिर जो ट्रेन है वो आगे बढ़ते हुए जो गैस वर्कस है उसको क्रॉस करती है एंड ऑल्सो द समेट्री वे और हैवी पेजेस ऑफ डेथ इज़ प्रिंटेड बाय ग्रेवस्टोन स्टोन उसके बाद वो कब्रिस्तान है जो वहाँ से पास हो यानी कि जहाँ से ट्रेन गुजर रही है उसके पास में क्या है एक कब्रिस्तान है जिसके ऊपर यानी कि वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आ, लोगों की डेथ हुई है और वहाँ पर ग्रेव स्टोन है जिसके ऊपर उनके बारे में लिखा गया है आफ्टर रीचिंग एंड ओपन कंट्री दैट इज़ ब्ड द टाउन उसके बाद क्या है कि अब यह टाउन जो टाउन है उससे परे ओपन एक काउंट्री एरिया में निकल चुकी है द ट्रेन स्पीड्स अप अब जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है आप सभी ट्रेन के बारे में जानते ही हो कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो जैसे ही वो स्टेशन से लीव होती है तब उसकी जो स्पीड होती है वो धीमी होती है लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी कवर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है एंड बिकम मिस्टीरियस फॉर द पॉइंट जिसके कारण जो पॉइट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके लिए ये एक रहस्य बन जाता है द ट्रेन नाउ सीम्स टू बी अ शिप इन द ओशन अब जो ट्रेन है वो पोइट को कैसी लगती है जैसे कि एक ओशन में एक शिप हो ठीक है एक जो समुंदर है वहाँ पर एक जहाज है विच इज़ सेल्फ प्रोसेस्ड एंड इज शाइनिंग जो कि अपने आप के लिए है और शाइन कर रहा है द ट्रेन नाओ बि बिगिनस टू सिंग अब जो ट्रेन है वो कैसे पोइट को फील हो रही है जैसे कि जो ट्रेन है वो गाना गा रही है फर्स्ट क्वाइट लो स्टार्टिंग में तो उसकी जो आवाज़ होती है वो लो होती है देन लाउड फिर उसकी जो आवाज़ है वो तेज हो जाती है द हॉर्न ऑफ द ट्रेन इज समाइम लो इन नॉइज वाइल समाइम्स क्वाइट हाई अल्टीमेटली इट सीम्स टू बी मैट तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा है कि ये जो ट्रेन का जो हॉर्न है ठीक है ये क्या कि कभी तो इतना धीमा होता है साउंड में और कभी इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो मैड हो चुकी है तो यहाँ पर ये जो ट्रेन का हॉर्न है इसकी जो आवाज़ है इसे ही पोइट इस तरीके से फील करते हैं जैसे कि ट्रेन गाना गा रही हो द साउंड ऑफ ए ट्रेन हॉर्न विच इज़ हेयरड इन कर्व्स एंड टर्नल्स ये जो साउंड है ट्रेन के हॉर्न का वो कब सुनाई देता है जब यानी कि कोई मोड़ आते हैं या फिर कोई टर्नल से ट्रेन क्रॉस करती है द साउंड ऑफ इट्स ब्रेक शोज द जॉय ऑफ इट्स टायर इसके साथ ही जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तब का जो साउंड है वो क्या दिखाई देता है जॉय ऑफ़ इट्स टायर कि इसके जो टायर्स हैं उनकी खुशी ठीक है उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है द पॉइंट दैट पॉइंट कहते हैं कि वाइल्ड रनिंग ऑन द रेल कि जब यानी कि ये जो ट्रेन है वो चल रही होती है एंड क्रॉसिंग द लैंडस्केप और वो उस लैंडस्केप को क्रॉस करती है द ट्रेन एक्सप्लोर एंड इंजॉय न्यू ईरा ऑफ वाइट हैप्पीनेस तो ये इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये एक नए ईरा में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस है इन सच इराज और एक ऐसा इरा होता है द ट्रेन द ट्रेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन शेप अब जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है वो अलग तरीके से ब्रॉड कर्व्स लेती है ठीक है यानी कि वो कहाँ पर मुड़ रही है एंड ऑल्सो पैनल प्लेन क्लीन इसके साथ ही क्या है कि वो जो पटरियाँ हैं उसको भी वो साफ़ कर रही है जो कि उसके बराबर चल रही हैं चल नहीं रही मीन्स की बराबर पटरियां हैं जिसके ऊपर ट्रेन चल रही है तो उसे भी क्या है कि वो जब चलती है ट्रेन तो उस पटरियों को भी क्या है कि वो साफ़ कर रही हैं विच नेवर मीट्स और ये जो पटरियां हैं ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है एंड विच लुक लाइक और ये किस तरीके से दिखाई देती हैं जैसे कि गन में से ट्रांजेक्ट्रिस निकल रही हो इसके बाद आगे जो पॉइंट हैं वो ट्रेन के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं फाइनली द ट्रेन क्रॉस इसके बाद जो ट्रेन है वो कहाँ से क्रॉस करती है एडिंगबर्ग रोम एक जगह है रोम में एडिंगबर्ग वहाँ से क्रॉस करती है एंड इवन द क्रस्ट ऑफ द वर्ल्ड वोइट्स इमेजिनेशन यानी कि ये जो है जगह के बारे में बता रहे हैं क्रस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वो एक संसार में बहुत ही अलग पॉइंट की तरफ चली जाती है ऐसा पॉइंट इमेजिन करते हैं द नाइट अपीयर्स द लो स्ट्रीम लाइन ब्राइटनेस ऑफ फास्पोरस उन्हें ऐसा लगता है कि जो रात है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर क्या है कि जो फास्फोरस की ब्राइटनेस है ठीक है इज विजिबल इन द ट्रेन इंजन कि जो ट्रेन का इंजन है उसमें एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है और वो चमक है जो कैसी है फास्फोरस की ब्राइटनेस की चमक है विच मेक्स इट लुक लाइक अ कॉमेट जिसके कारण ये एक कॉमेट की तरह दिखाई देता है कॉमेट जो आ, आसमान में जैसे तारे होते हैं तो एक स्पेशल जो तारा होता है उसे कमेंट कहते हैं उसकी तरह अब ये जो ट्रेन है वो दिखाई दे रही है द फाइनल लाइन इज द डायरेक्ट अटैक ऑन ट्रेडिशनल रोमांटिक थॉट तो यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है इसमें जो पॉइट है उन्होंने ट्रेडिशनल जो रोमांटिक थॉट है उसके ऊपर बताया है अकॉर्डिंग टू द पॉइट पॉइंट के अनुसार द सॉन्ग्स ऑफ द ट्रेन आर बिटर देन दैट ऑफ बर्ड्स कि ये जो ट्रेन का सॉन्ग है ट्रेन का कौन सा सॉन्ग हुआ ट्रेन का जो हॉर्न बजता है तो वह आवाज़ पोइट को एक सॉन्ग की तरह लगती है तो पोइट के कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है ना ट्रेन का आर बैटर वो ज़्यादा अच्छा है देन दैट ऑफ बर्ड्स ना कि बर्ड्स का विच ब्रेक विद हनी बर्ड्स तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने क्या बताया है कि जो ट्रेन का सॉन्ग है वो बर्ड के सॉन्ग से ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि ब्रेक विद हनी बर्ड्स और ये रुक जाते हैं हनी बर्ड्स से ठीक है इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट वो है एप्ट टाइटल अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट ए क्रिटिकल अप्रीशिएशन ऑन द पॉइंट द एक्सप्रेस तब आपको ये पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना है जिसमें आपका जो पहला पॉइंट था वो बना इंट्रोडक्शन सेकंड पॉइंट आपने लिखा था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉइम थर्ड पॉइंट है टाइटल यानी कि इसमें यह बताया गया है कि ये जो टाइटल है वो सूटेबल है या फिर नहीं है द टाइटल ऑफ द पॉइम इज ए सुटेबल वन कि ये जो टाइटल है पॉइम का ये प्रॉपर वे में सुटेबल है एप्ट है अप्रोप्रिएट है द पॉइट हैज़ चूजन एन इमेज फ्रॉम द मॉडर्न एंड मकैनिकल एज ऑफ पोर्ट्रेट द ऑर्डनरी एवरी डे एक्सपीरियंस ऑफ द मैन ऑफ द एडवांस वर्ल्ड कि ये जो पॉइट ने इमेज चूज की है ट्रेन वाली एक्सप्रेस वाली ये किसका एक सिम्बल है मॉडर्न और मकैनिकल एज का जो कि आज हर एक जो मैन है हर एक जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है अपनी डे टू डे की लाइफ में इस एडवांस्ड वर्ल्ड में कि हमारा जो देश है वो कितना विकास कर चुका है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कंक्लूजन जिसमें आप लिखोगे बाय राइटिंग दिस पॉइम इस पॉइम को लिख कर द एक्सप्रेस ये पॉइम का नाम है द पोइट हैज़ ग्लोरीफाइड द एडवांसमेंट ऑफ द मैकेनिकल एंड साइंटिफिक एज तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बताया है कि ये जो मैकेनिकल और साइंटिफिक एज है उसकी क्या है एडवांसमेंट हो चुकी है यानी कि इसका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है इंस्टीड ऑफ अनग्रोसिंग इनग्रोसिंग इन द ब्यूटी ऑफ नेचर ही हैज संग अ सॉन्ग ऑफ द मैग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिकल डेवलपमेंट द स्पीडी ट्रेन यहाँ पर जो है उन्होंने नेचर की ब्यूटी के बजाय किसके बारे में ज़्यादा बताया है कि मैकेनिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके मैग्निफिकेंस है जो उसके बारे में ज़्यादा बताया है और किस तरीके से बताया है तो एक स्पीडी ट्रेन का सिंबल यूज़ करके सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जो कि नई शुरुआत के नाम से है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो So thank you friends for watching my video. Thank you.